चलिए फटाफट खबरों के बाद एक और खबर की बात करते हैं, बात कर लेते हैं दरअसल नासिक के मैग्नेट मैन की। दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनका शरीर चुंबक सा बन गया है। अब इसी सच को जानने के लिए जी मीडिया की टीम ने मैग्नेट मैन का लाइव टेस्ट किया। हमारी टीम को जो सच पता चला वो आप भी देखिए। इस वीडियो को देखिए, देखिए कैसे एक इंसान के शरीर से बर्तन और सिक्के चिपक रहे हैं। ये वीडियो आश्चर्य में डालने वाला है। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स है नासिक का अरविंद सोना, और इनका दावा है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के बाद उनका शरीर मैग्नेट यानी कि चुंबक बन गया है। अरविंद सोनार ने 9 मार्च को कोविशील्ड की पहली जबकि 2 जून को कोविशील्ड की दूसरी डोज लगवाई थी। जी मीडिया की टीम अरविंद के दावों की पड़ताल करने पहुंची और हमारी टीम ने खुद अरविंद के शरीर पर चम्मच चिपकाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और चम्मच चिपकते चले गए। इसके बाद अरविंद के शरीर पर प्लेट और सिक्के भी चिपकाए, ना तो कोई चम्मच गिरी, ना प्लेट और ना ही कोई सिक्का जमीन पर गिरा। तो वैक्सीन लेने के बाद में वो मेरे लड़के ने मोबाइल पे जब भी देखा क्या उधर बाहर के इधर ऐसा ऐसा एक आदमी ने 2 वैक्सीन लेने के बाद में उसके बदन को डॉलर वगैरह चिपकने लगे, इसलिए उसने फिर बोला अपन पापा ट्राई करेंगे, किया ट्राई, चिपकने लगा। अरविंद का दावा जो भी हो, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में ऐसे बदलाव असंभव है। कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं है, चुंबक जो अगर उसमें शरीर में चुंबक हो तो चुंबकीय पदार्थ को ही अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये तो नॉन चुंबक है, नॉन मैग्नेटिक है, तो फिर भी ये चिपक जाता है। उधर महाराष्ट्र सरकार भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच कराने की बात कह रही है। निदर्शनास आला असेल तर त्याची पूर्ण वैज्ञानिक आणि खऱ्या अर्थाने मेडिकल दृष्टिकोनातून सुद्धा पूर्ण आपण तपासणी करूया आणि त्यानंतरच त्याच्यावर योग्य ती टिप्पणी केलेली बस। आखिर कैसे अरविंद सोनार के शरीर पर धातु की चीजें चिपक रही हैं, ये बड़ा सवाल है और इन सवालों का जवाब वैज्ञानिक जांच के बाद ही मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।